यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10th, स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करें। देखिए, फर्स्टली वी हैव टेकन टू पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉन्ग द पाथ एल वन। एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉन्ग द पाथ एल वन और मूव अलॉन्ग द सेकेंड पाथ एल टू। दिस इज एल टू एंड दिस इज and again move along this path. Suppose this is L3 and again move in this direction. देखिए, any particles move different path from point A to B. एक ही particles अलग अलग रास्ते से A से B की तरफ पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए, जब ए से बी की तरफ अगर ये एल वन के थ्रू जा रहा है तो वो डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है, और अगर एल टू के थ्रू जा रहा है तो वो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, और एल थ्री के थ्रू जा रहा है तो वो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। आपको सीधे दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस एल वन है वो सबसे ज़्यादा है, एल टू फिर उससे कम है और एल थ्री उससे कम है, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी जब डायरेक्ट ये मूव कर गया, मीन्स जिसमें ये बिल्कुल एक लाइन बनी हुई, ये एक बिल्कुल ए और बी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। जो बी पॉइंट है वो ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। अगर पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव किया है, मैं इसका भी नाम दे देता हूँ, ये एल फोर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल वन इज ग्रेटर देन एल टू इज ग्रेटर देन एल थ्री एंड इज ग्रेटर देन एल फोर। ये जो एल फोर है ये बिल्कुल सबसे छोटी डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है। बाकी देखिए, आप सब कर्व में, जो भी कर्व में है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है। इट मीन्स हम ये डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें इस चैप्टर में कंप्लीट जो फोकस करना है वो टोटली स्लोप पर, किस पे, स्लोप पर। ये बेसिक कंसेप्ट है जो टोटल हमें इसमें पढ़ना है, ये मेन कंसेप्ट होगा हमारा स्लोप, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्लोप, व्हाट इज स्लोप। देखिए, मैं एक पेन लेकर के आपको समझाता हूँ। इसको आप एक लाइन की तरह ट्रीट करें, और ये जो मेरा पाम है ये, इसको आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करें। अब मैं इस पेन को ऐसे रख देता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेन है ये इंक्लाइंड है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दीज लाइन और दीज पेन मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मैं इस पेन को रोटेट करूँ, ऐसे ऐसे रोटेट करूँ, तो ये जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये इन अलग अलग एंगल से इंक्लाइंड हो रही है एक्स एक्सिस से। क्या हो रही है? अलग अलग एंगल से एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड हो रही। इट मीन्स स्लोप को हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि स्लोप ऑफ एनी लाइन इज मेजर द इंक्लिनेशन। क्या वो इंक्लिनेशन को मेजर करती है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कैसे इंक्लाइंड है, इसको हम ऐसे डिसाइड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन मेजर द इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे कोई भी लाइन इंक्लाइंड हो रही है, उसको स्लोप मेजर करता है। देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वी हैव एनी लाइन
दिस इज लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस. ये जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है एंगल थीटा. अब अगर मैं इस लाइन को रोटेट करूं तो ये थीटा चेंज होगा. तो यही जो रोटेशन है इसी रोटेशन को स्लोप मेजर करता है और इस स्लोप को हम हमेशा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से. और इस स्लोप की जो वैल्यू होती है उसको हम कहेंगे टेन थीटा. क्या? टेन थीटा. और ये थीटा क्या, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें. थीटा इज द एंगल मेड बाय दीज लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आप ध्यान रखना. तो स्लोप का जो मेन आपका फार्मूला है एम इज इक्वल टू टेन थीटा. ये अब हम स्लोप का फार्मूला अलग अलग कंडीशन में भी निकालते हैं कि अगर अपने को इस लाइन के दो पॉइंट्स गिवेन हो. क्या गिवेन हो? दो पॉइंट्स. तब स्लोप का फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं. फार्मूला ऑफ स्लोप when two points are given. दो points given है, it means उसके coordinate आपको given है. Suppose ये दो point एक ये point A है and another point B and its coordinate taken as x1 comma y1. ये given है and its second point coordinate given as x2 comma y2. ये आपको दिया गया है और हमें इस दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बन रही है हमें इसका स्लोप निकालना है. ये तो ये आपकी लाइन है ए बी. हमें ए बी का स्लोप निकालना. वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी बाय ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी विच कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू आर गिवेन. आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिए. लेट आप इस कंप्लीट को लाइन एल मान लीजिए. लेट लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. ये एंगल मैं मान ले रहा हूँ. ये थीटा आपका हो गया. इज इट क्लियर? अब आप इस पॉइंट को देखिए. मैं इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो कैन यू से दिस डिस्टेंस, ये ओरिजिन ले लीजिए, क्या ये डिस्टेंस आपकी x1 होगी? और कैन यू से अबाउट दिस डिस्टेंस, यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए c, तो क्या ये डिस्टेंस आपकी y1 हो जाएगी? बिल्कुल. ऐसा ही आप पॉइंट b से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये हो जाएगा. इसकी नेमिंग कर दीजिए आप D. तो कैन यू से अबाउट दिस डिस्टेंस सी डी, अगर ये आपका पॉइंट x2 y2 है और ये डिस्टेंस ओ डी, दिस इज डिस्टेंस x2 एंड दिस डिस्टेंस x1, क्या आप इस डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, ये डिस्टेंस ये y2 होगी. ये अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. मैं इस लाइन पर यहां से ऐसे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इसकी नेमिंग कर दीजिए पॉइंट ए. इट इज क्लियर? ये आपका वाई टू, ये कंप्लीट है, ये आपका वाई टू है. अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे ये डिस्टेंस बताइए ये वाली, तो ये तो आप देखेंगे कहेंगे ये तो y1 है ही है, ये जो ये y1 है तो यही ये y1 होगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल है. और मैं निकालना, मुझे निकालना ये पॉइंट BE, डिस्टेंस BE. क्या आप डिस्टेंस BE बता सकते हैं? बिल्कुल. अगर ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1. तो वी हैव टू फाइंड BE. BE क्या होगा? जो ये BE है आप इस टोटल में से BD माइनस
ई डी, बी डी में से आप ई डी को माइनस कर दीजिए, तो जो आपकी बी डी है वो वाई टू है और जो आपकी ई डी है वो वाई वन है। तो क्या आपको ये लेंथ पता चल गई? दिस इज वाई टू माइनस वाई वन। वैसे मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, देखिए इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इट मीन्स ओ डी में से ओ सी को माइनस कर दूं, तो क्या हमें सी डी मिल जाएगी? तो वैसे ही सी डी आप निकालिए, सी डी, सी डी इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी क्या है आपका एक्स टू, ओ सी क्या है एक्स वन। तो क्या आपको ये लेंथ मिल गई एक्स टू माइनस एक्स वन? तो क्या यही लेंथ आपकी ये होगी ए, क्योंकि ये और ये लेंथ पैरेलल है, पैरेलल है क्या? तो ये क्या हो गया आपका ए ई, ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका आ गया ए ई। और बी ई आपके पास है ही, अब अगर मैं देखिए ध्यान से यहां पे अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट किया हूं तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, ये एंगल थीटा है क्या? अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ए ई बी में टेन थीटा अप्लाई करूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई बी टेन थीटा, देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका बी ई और बेस क्या है आपका ए ई। आपके पास बी ई की वैल्यू है ही क्या, वाई टू माइनस वाई वन, और आपके पास ए ई की वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या आप टेन थीटा को दोबारा स्लोप एम लिख सकते हो, क्योंकि वही वैल्यू होती है, जो भी एंगल है अगर उसका हम टेंजेंट ले लेते हैं और एंगल एक्स एक्सिस से होना चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आप इस टेन थीटा को एम लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये आपका स्लोप का सेकेंड फार्मूला आ गया, When two points are given। अगर आपको two points given है तो आपको डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इट इज द सेकेंड फार्मूला ऑफ स्लोप। देखिए एंड थर्ड कंडीशन, अगर आपको दो लाइन दी हो और दोनों का स्लोप दिया हो, तब उसके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे? स्लोप बिटवीन, या ऐसे आप कह सकते हैं लेट एनी लाइन L1 मेक्स एन एंगल थीटा वन एंड एन अदर लाइन मैक्स एन एंगल थीटा टू फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए डायग्राम में यहां पे बना देता हूं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस। ये आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन भी करूँ, ये आपकी लाइन L2 है। तो हमने क्या दिया है L1 और L2 के लिए, जो L2 है वो थीटा 2 एंगल बना रही है और ये क्या बना रही है एंगल थीटा 1। इज इट क्लियर? लेट द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन इज टू बी अल्फा, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका अल्फा, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अल्फा। क्या आप इस अल्फा की वैल्यू थीटा वन और थीटा टू के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो?
देखिए मैं यहाँ से एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो देखिए क्या आप इस लाइन का एंगल, जो ये लाइन आपकी L2 है, क्या ये भी एंगल थीटा 2 होगा? बिल्कुल होगा। और इस लाइन का एंगल, ये एंगल क्या है, देखिए इस लाइन का एंगल थीटा 1, तो क्या ये भी थीटा 1 हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये थीटा, टोटल थीटा 2 और ये यहाँ से लेके थीटा 1, तो क्या ये अल्फा की वैल्यू, जो ये एंगल आप नहीं निकाल सकते, यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 और ये सिर्फ थीटा 1, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें तो क्या अल्फा की वैल्यू नहीं आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होगी? थीटा 2 माइनस थीटा 1। इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना, हमें स्लोप, अब स्लोप निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच का, जब एंगल दिया हो, दो लाइंस के बीच का एंगल दिया हो, और दोनों लाइन, अब दोनों लाइन का एंगल दिया, इट मीन्स हमें इन दोनों का स्लोप पता है। जब अपने को एंगल मिल गया, तो कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन? यस, क्योंकि एंगल दिया तो हम टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 लगा देंगे तो हमें इन दोनों लाइन का स्लोप मिल जाएगा। जैसे मैं लाइन L1 स्लोप की बात करूँ, मैं L1 की क्या हो जाएगा? टेन थीटा 1। वैसे मैं स्लोप की बात करूँ सेकेंड लाइन L2 की, क्या वो टेन थीटा 2 हो जाएगा? यहाँ M2 देख लीजिए और ये M1, ये लाइन L1 का स्लोप है और ये लाइन L2 का स्लोप है, क्योंकि एंगल के साथ अगर हम टेन लगा दें तो हमें उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों साइड टेन ले लीजिए, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेकिंग टेन बोथ साइड, क्या होगा? टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखिए टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 इंटू थीटा 1। आपके पास tan थीटा 2 की वैल्यू है, tan थीटा 2 की जगह आप क्या रख सकते हैं? m2। tan थीटा 1 की जगह क्या रख सकते हैं? m1। ये सेकेंड लाइन का स्लोप है, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये किसकी वैल्यू है? tan अल्फा की। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन l1 एंड l2। तो आपका फाइनल रिजल्ट ये आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब आप ध्यान से देखें कि जो ये अल्फा है वो एक एक्यूट एंगल है, क्या है? एक्यूट। और अगर अल्फा एक्यूट एंगल है तो जो टेन अल्फा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? मोड, कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आए वो एक पॉजिटिव आए, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर अल्फा ऑब्टूज हो जाएगा, जो कि गलत होगा हमारा। तो यहाँ से ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन, अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमें निकालना हो, अगर उनके स्लोप हमें दिए हों। देखिए इसमें तीन पैरामीटर हैं, दोनों लाइन का स्लोप, m1 m2 और उनके बीच का एंगल, इन तीनों में अपने को दो पैरामीटर्स दिए होंगे, थर्ड फाइंड आउट करना होगा। अब इसी में हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, केस वन, व्हेन लाइन l1 एंड l2 आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, अगर l1 l2 क्या हो? पैरेलल हो। आप ये जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो डिग्री। अगर उनके बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा देन अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे जीरो रख दें, टेन जीरो, जब टेन जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। टेन जीरो की वैल्यू क्या? जीरो। एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, क्या यही रिजल्ट है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जीरो इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन, क्या ये होगा? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एम टू इज इक्वल टू एम वन, मोड हटा दीजिए, इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या हो गया? एम टू इज इक्वल टू एम वन,
इट मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैं कह दूं इफ एनी लाइंस हैविंग स्लोप टू यूनिट देन फाइंड द स्लोप ऑफ दोज लाइन विच आर पैरेलल टू दैट लाइन, तो आप भी कह दोगे कि उसका भी स्लोप क्या होगा, दो ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल। मतलब एक लाइन का जो स्लोप है वही सेकेंड लाइन का होगा अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं। सेकेंड कंडीशन आप देखिए, केस सेकेंड, व्हेन एल वन एंड एल टू बिकम्स परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, देन अगर परपेंडिकुलर हो गए तो अल्फा क्या होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री है तब हम कहते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर। तो अल्फा 90 डिग्री हो गया तो आप उस फार्मूले में अल्फा की जगह 90 डिग्री पुट करें, 90 इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। आप कहते हैं टेन 90 डिफाइंड नहीं होता, हम उसको ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी, कैन यू राइट एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, कैन यू राइट इन्फिनिटी समथिंग अपॉन जीरो, क्या मैं 1/0 2/0 x/0 कुछ लिख सकते हैं ऐसे, यस एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1 + m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, मॉड हटा दीजिए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये रिलेशन निकल कर आ जाता है व्हेन लाइन l1 परपेंडिकुलर टू l2, और ये केस है पैरेलल के केस में व्हेन l1 पैरेलल टू l2। इट मीन्स अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा, और लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अगर मैं कह दूं एक लाइन का स्लोप 2/3 है देन फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो अगर एक लाइन का स्लोप दे दिया तो आप सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना जो उसके परपेंडिकुलर है, तो आप जो लाइन का स्लोप दिया है पहले तो उसको रेसिप्रोकल कर दें और उसके साइन को चेंज कर दें। जैसे मैंने कहा एक लाइन का स्लोप 2/3 है तो सेकेंड का स्लोप बताइए m2 का, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, पहले प्लस में था तो आप क्या बताएंगे माइनस में, तो -3/2। मैंने कह दिया एक लाइन का स्लोप -4/4 है, -4/5, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताइए, आप कहेंगे +5/4, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये और रेसिप्रोकल कर देना। इज इट क्लियर? यस। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेता हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और हम जानते हैं कि भाई स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा अगर एंगल दिया हो तब, तो ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, ये आपको 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे आप रख दें tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, ये आपका स्लोप हो गया। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स 30 डिग्री एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या दे दिया इस बार, वाई एक्सिस से मैंने दे दिया। अब आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, देखिए
पहले आप इसका डायग्राम बनाइए कि ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, क्या वो लाइन कुछ इस तरह से मैं बना दिया, ये है। देखिए इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल नहीं दिया, सॉरी वाई से, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, ये लाइन मान लीजिए ये है। अब अपने को कौन सा एंगल दिया है 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये आपकी वाई एक्सिस है, यहां से इस लाइन के एंगल ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया है क्या। अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया है तो हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप में आप बेटा ध्यान रखना m इज इक्वल टू जो होता है tan थीटा, ये थीटा x एक्सिस से एंगल होता है, कहां से होता है x एक्सिस से, बट ये तो एंगल y एक्सिस से दिया हुआ है, तो हमें यही एंगल x एक्सिस से मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, वो एंगल ये होगा आपका ऐसे ही, तो ये एंगल होगा तो ये क्या 90 इसमें ऐड नहीं हो जाएगा, तो जो ये एंगल है जो थीटा आपका हो जाएगा 90 + 30, क्या होगा 90 + 30, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan 90 + 30। आप जानते हैं 90 से जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे tan चेंज हो जाएगा, तो tan क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा और 90 प्लस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए वो नेगेटिव में जाएगा, क्या होगा -cot 30। cot 30 की वैल्यू -√3, cot 30 की वैल्यू √3, तो ये आपका स्लोप क्या आ जाएगा -√3। आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।